नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ग्रुप और मैं अमन शर्मा। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं LNMU पार्ट वन के रिगार्डिंग, जो कि बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट्स आ रहा था कि सर हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है तो हम कैसे अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड रिकवरी करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जो कि साइट पर आ चुका है। इसके रिगार्डिंग में ये अपडेट क्या अपडेट आई है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको आना क्या है करना क्या है, LNMU University.in पे इंटर करना है किसी भी क्रोम ब्राउजर में जाके और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर आने के लिए दोस्तों आपको इतना भी नहीं करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे आप आ सकते हो। इस पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस पेज पे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, नीचे से दूसरा नंबर है लिंक इसका, ये देख सकते हो लिखा हुआ है गेट लॉगिन एंड पासवर्ड फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म UG1। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इस तरह का इंटरफेस खुलते ही दोस्तों आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वो भी अपने फोन से। ठीक है ना, तो यहाँ देखो कोर्स नेम यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो कोर्स नेम में ऐसे क्लिक करना है आपको और यहाँ देख सकते हो आपको सिलेक्ट इसमें से क्या करना है। तो अंडर ग्रेजुएट हो आप, तो यहाँ देख सकते हो UG1 लिखा हुआ है, अंडर यू का मतलब अंडर, जी से ग्रेजुएट। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट वन UG1 पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते आप देख सकते हो जी अंडर ग्रेड यहाँ UG1 आ गया है यहाँ पे। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। तो रोल नंबर तो आपको पता नहीं होगा, तो आपको करना क्या है एडमिशन नंबर डालना है। एडमिशन नंबर आप कहाँ से डालोगे ये आप कन्फ्यूजन में होगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है एडमिशन नंबर जो है ना आपको, आप जब आपने फॉर्म ऑनलाइन किया होगा तब आपको इस तरह का कुछ दो तीन जो है पेज मिला होगा। ठीक है, इस तरह का पेज जो आपको एडमिशन के टाइम आपने फॉर्म ऑनलाइन किया होगा किसी कैफे में जाके, तो आपको इस तरह का दो तीन पेज मिला होगा जो कि आपके कॉलेज में जाके सबमिट करना होगा। ठीक है, तो वहां पे आपको सबसे पहले वाले पेज पे आप देखे होगे पहले वाले पेज पे इस तरह का ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा यूनिक्योर फॉर्म आईडी ऐसे लिखा हुआ होगा। और इसके ठीक यहाँ पे नीचे जहाँ पे मैंने ये रेड कलर का इसको हेड कर दिया मैंने, यहाँ पे आप लोगों को 6 डिजिट का या 5 डिजिट का जो भी नंबर हो वहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो वो करना क्या है आपको वो नंबर ले लेना है और वो नंबर इस कॉलम में, ये नंबर जो है यही नंबर आपको इस कॉलम में मेंशन करना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि कोई एक दो तीन मैं कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 मैंने डाल के दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है सर्च कर लेना है सिंपली। अभी ये इनकॉरेक्ट बताएगा क्योंकि ये मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये इस तरीके से आप डालोगे तो सबसे पहले आपका जो है यूजर यहाँ पर स्टूडेंट नेम, ये देख सकते हो स्टूडेंट नेम है यहाँ पे स्टूडेंट नेम आपका आ जाएगा, यहाँ पे यूजर आईडी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप अपना फॉर्म जो है लॉगिन करके फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अगर इतना भी नहीं करना है दोस्तों आपको, तो इसके रिगार्डिंग मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा अगर आपके पास यूनिफॉर्म आईडी नहीं है, आपका फॉर्म खो गया है, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे जो है रिकवरी करना है यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो, और बेल आइकन को भी दबा ले। और पुराने दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों आप लाइक कर लीजिए, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नया व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है, जो कि मेरा वो पिछले वाला व्हाट्सअप ग्रुप जो है फुल हो गया था, मैंने नया व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिया है, उससे जाके आप लोग फटाफट में ज्वाइन हो जाओ। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगी, समझ में आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।